इसमें कलर करेक्शन बता दिया है, डिस्टॉर्ब बता दिया है, एक्सप्रेशन कंट्रोल अभी आपका लेक्चर नहीं है इसके ऊपर, अभी मैं जनरेट बताने वाला हूँ। मैं जनरेट में इतनी चीज़ें आती हैं ये बताने वाला हूँ, और इसके लिए कुछ इमेज, कोई इमेज डाल लेता हूँ मैं। मान ले कि ये इंपोर्ट कर ली मैंने यहाँ पर, इसको यहाँ डाल दिया, और ये इमेज है, और इसमें फूल पत्ते, फूल तो नहीं है लेकिन पत्तियाँ उड़ रही हैं, और रोड का बैकग्राउंड है। इसमें पहले जाते हैं फोर कलर ग्रेडियंट, जनरेट पर हैं हम अभी, फोर कलर ग्रेडियंट, ये फोर कलर ग्रेडियंट है, और इनके पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं और कलर दिया हुआ है, ये चारों का ऐसे ही दिया हुआ है, और ब्लेंड दिया हुआ है, जो भी है जिटर, कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए ये ऑप्शंस दिए हुए इसमें। अब ये चार कलर हैं, फोर कलर हैं, इनको आप एनिमेट भी कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड भी बना सकते हैं इनका, और कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया। तो ये फोर कलर है, बैकग्राउंड बनाना है आपको, जैसे कि मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ सॉलिड, ओके, और ये सॉलिड कलर है, ले लिया है मैंने, एक लेयर ले ली है सॉलिड कलर की, फोर कलर ग्रेडियंट इस पे डालता हूँ, और मुझे कुछ बैकग्राउंड बनाना है, तो मैं अपने मन मुताबिक इसमें ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके बना सकता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे रख दिया या यहाँ रख दिया, इस तरीके से चार कलर से ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ, और एडवांस्ड लाइटिंग, ये पर्पल सॉलिड लेयर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसमें इफेक्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, और एडवांस्ड लाइटिंग में क्लिक करता हूँ, तो ये एडवांस लाइटिंग में जैसे कि ये इसमें कि बिजली कड़क रही है या इस टाइप का इफेक्ट देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, और कंटिन्यूटी स्टेट, कंडक्टिविटी स्टेट ये किया है मैंने, तो इसको कुछ अगर चेंज करना है यहाँ पर तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पहले जीरो कर देता हूँ और 100 फ्रेम पर एंड कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडक्टिविटी स्टेट को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ और प्ले करता हूँ, तो ये इस टाइप के बिजली का जो कड़क रही है उसका इफेक्ट दिखाई देता है, और ये पॉइंट है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, किस एंगल में आपको ये करना है, लगाना है, तो आप ये लगा सकते हैं, और ये भी बहुत काम में आता है, और इसमें ये ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, तो ये मैं डिलीट करता हूँ। ऑडियो स्पेक्ट्रम, तो ऑडियो स्पेक्ट्रम जब भी काम करेगा, जब हमारे पास में ऑडियो की लेयर होगी यहाँ नीचे, या फिर ऑडियो होगा, या फिर अभी मैं इसमें अगर ऑडियो होगा तो इफेक्ट दिखेगा। अभी कुछ ऑडियो इसमें ऑडियो है भी तो नॉर्मली ऑडियो होगा, ज्यादा हाईफाई ऑडियो नहीं है, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी ये सब मैं बढ़ा देता हूँ, अभी प्ले करता हूँ, साउंड इसमें नहीं है, साउंड इसमें होता तो ये अफेक्ट करता। मैं साउंड लेयर ले लेता हूँ, कोई मेरे पास अगर पड़ा होता है तो ढूंढ लेता हूं मैं, इस लेयर को मैं यहां डाल देता हूं,
और नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर, और ऑडियो स्पेक्ट्रम ऑन करता हूँ, प्ले करता हूँ तो इसमें इफेक्ट आना चाहिए। और स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट ये स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी मैं इसमें ये ऑडियो तो मिल गया है, यहाँ से दे दिया है, और सोर्स में सोर्स ही रहने देते हैं। और स्टार्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, बैंड्स बढ़ा देते हैं, ऑडियो ऑफसेट, थिकनेस, ये सब बढ़ा दिए है। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इसमें कुछ इफेक्ट आना तो चाहिए, लेकिन कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा है। ये मैं आपको अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि ये कंप्लीट कर दूंगा। मैं नोट करके रख लेता हूँ। ऑडियो स्पेक्ट्रम काम की चीज़ है, ये छोड़ना नहीं है। अगला आते हैं ऑडियो वेवफॉर्म। अभी मैं प्ले करके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें भी। ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। मैं अगर वैल्यू बढ़ा देता हूँ फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये मैं आपको ये पूरे पूरे लेक्चर के ऊपर ही लेक्चर ही बनेंगे इन दोनों चीज़ों के। तो ये लेक्चर में ही आपको ऑडियो के ऊपर आएंगे जब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। ये है अभी, ये साउंड को मैं नीचे लेयर में रखता हूँ और ऑडियो स्पेक्ट्रम इसमें से डिलीट कर देता हूँ। और बीम बीम का क्या है फंडा, ये देख लेते हैं। और ये हो गया, और टाइम हो गया, और थिकनेस, और ये सॉफ्टनेस, ये हो तो गया है, लेकिन ये 3D में काम आने वाली चीज है। इसमें बस इसको एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कि ये टाइम है ना, इसमें इस तरीके से, ये इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। सिंपल है ये, इसका भी फंडा कुछ अलग है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सीसी ग्लूगन, एक्चुअली वर्जन चेंज हो जाते हैं तो इफेक्ट भी कुछ चेंज हो जाते हैं। ये जैसे कि ये वाला ये हो गया, इसको और बढ़ा रहे हैं। स्ट्रोक विड्थ है, ये बढ़ा दिया मैंने। और अगर प्ले करता हूँ तो ये एक स्फीयर नुमा शेप में प्ले हो रहा है, तो इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। टाइम स्पॉन ऑप्शन दिए हुए, मतलब सिंपल है। सीसी लाइट बर्स्ट, इस तरीके से लाइट बर्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं। कोई भी सीन चेंज करना है आपको, या इफेक्ट कोई इस टाइप का डालना है आपको, लोगो हो जाते हैं, या फिर कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर इसमें इसमें के इफेक्ट काफी डाले जाते हैं, तो इसे याद रख लीजिए आप। सीसी लाइट बर्स्ट 2.5 था, और सीसी लाइट रेज, ये थोड़े स्ट्रिक्स जैसे लाइट आ रही है, ये इस टाइप की लाइट आ रही है इसमें। मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से ये काम करता है। अभी मैं इसको एनिमेट भी कर देता हूँ। इसका सेंटर जो है, सेंटर पे क्लिक किया और इसको मूव कर दिया मैंने यहाँ तक, और प्ले किया तो इसमें का कुछ इफेक्ट आ जाएगा। आप ये लोगो के ऊपर डाल सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं। ये मैं टेक्स्ट के ऊपर डालकर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और टेक्स्ट लेयर ये रही, इसमें मैं टाइप करता हूँ
कुछ कंप्यूटर टाइप कर दिया मैंने, हिंदी में है, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। ये टाइप किया हुआ है और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। स्केल कर लेता हूँ थोड़ा और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मैं सीसी लाइट रेज, ये है। और इसका इफेक्ट रेडियस मैंने बढ़ा दिया और वार सॉफ्टनेस। अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ तो ये इस तरीके से ये होगा, इसमें एनिमेशन इसमें का होगा। और अलाउ ब्राइटनिंग कलर फ्रॉम सोर्स, ये सब ऑप्शन वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। बस यहाँ से मैं इसको सेंटर एनिमेट करता हूँ, यहाँ तक रखता हूँ और यहाँ तक ले जाता हूँ। तो ये एक्चुअली इसकी लेयर सिर्फ इतनी ही है, इसकी लेयर फुल स्क्रीन तक होनी चाहिए। और इसको मैं बढ़ा दिया और प्ले करके देखता हूँ मैं, तो इसमें का इफेक्ट आ जाता है। टेक्स्ट के ऊपर आप इसमें के कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। इसको डिलीट करता हूँ। सीसी लाइट स्वीप करता है ये लोगों के ऊपर। एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट है इसमें, इस तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि 3D फॉन्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। और एज थिकनेस तो थोड़ा सा जहाँ जहाँ भी ये जाएगा वहाँ पर ये इसको टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा और 3D में दिखाएगा। अभी सेंटर जो है उस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ तक लेकर के आ गया मैं, और यहाँ तक इसका जो पॉइंट है वो एंड तक लाकर छोड़ दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये इसमें का स्ट्रिक्स इफेक्ट और स्वीप इफेक्ट ये इसमें नजर आने लगता है। तो ये अक्सर टेक्स्ट के ऊपर डाला जाता है। तो आप इसको भी देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंप्यूटर जो टेक्स्ट है उसको नीचे रख लेता हूँ। सीसी थ्रेड्स इस टाइप का ये रेडीमेड ही बना हुआ मिल गया। वेट कितनी रखना है और हाइट कितनी रखना है ये यहाँ पर दिया हुआ है। और वर्ल्स बढ़ा दिए, कम कर दिए इस तरीके से। कवरेज शेडोइंग टेक्सचर ये वैल्यूज कम ज्यादा करके आप इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं जस्ट फॉर ट्रांजिशन। सेल पैटर्न, ये सेल पैटर्न है, ये एनिमेट भी हो जाएगा। ये कंट्रास्ट वगैरह कितना रखना है और डिस्प्लेस कितना रखना है, और कंट्रास्ट तो ये है ही, और ये बबल्स हैं, क्रिस्टल्स और प्लेट्स, नॉर्मली बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ से ये एनिमेट होगा इवोल्यूशन से। तो इसको बंद करता हूँ मैं, आता हूँ चेकर बोर्ड पे। चेकर बोर्ड देख सकते हैं, जो इमेज थी उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। और विड्थ वगैरह कितनी रखना है इसमें चेकर्स की, वो हम डिसाइड कर सकते हैं इतना। ये मैक्सिमम किया है बस, बाकी नॉर्मल है। ये एंकर पॉइंट है,
ये इसको जिधर ले जाएंगे उधर ये चेकर्स जाएंगे। डिलीट करता हूँ इसको, सर्कल सर्कल की रेडियस बढ़ा देता हूँ मैं, सिंपली सर्कल बना दिया है। एज रेडियस, थिकनेस, थिकनेस रेडियस, बस बाकी यही दिया हुआ है इसमें। सर्कल है सिंपली, एलिप्स, एलिप्स की वेट बढ़ाता हूँ और हाइट बढ़ाता हूँ और ये थिकनेस बढ़ाता हूँ, तो एलिप्स इस टाइप में एलिप्स बन जाएगा। अगर आपको इसमें से एलिप्स चाहिए तो ले सकते हैं, क्योंकि दो कलर हैं उसमें, बॉर्डर के अलग थे। देख लीजिए, ये बॉर्डर है, बॉर्डर का एक कलर अलग है रेड और बीच का कलर अलग है व्हाइट, तो ये वाला एलिप्स इसमें नहीं मिलेगा, इस टाइप का एलिप्स। आई ड्रॉपर फिल, बस ये आई ड्रॉपर जहाँ होगा वहाँ का कलर और टोटल फिल हो जाएगा उस लेयर पे। अच्छी बात है, फिल फिल बहुत ज़्यादा काम में आता है ये, लगभग आपको हर प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ना ही पड़ना है। फिल लेयर, जैसे कि मैंने ये वाली, मैं एक ब्लैंक लेयर बना देता हूँ, सॉलिड लेयर, ओके करता हूँ। अब ये इसमें मुझे कुछ कलर फिल करना है, तो ये यहाँ पर ये फिल काम में आएगा। यहाँ से मैं फिल में जा कर के कलर वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ और बैकग्राउंड बना सकता हूँ। और जैसे कि मान लो कि ये इसका साइज छोटा कर दिया, नेम प्लेट बनानी है, तो ये फिल यहाँ पर भी काम करेगा। मतलब कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी इमेज हो या कुछ भी हो, उसमें आप फिल डाल देंगे तो उसको ये फिल कर देगा, उसमें कलर फिल कर देगा। और ये सॉलिड डाल देता हूँ, फ्रैक्टल, इस टाइप का फ्रैक्टल बन गया है। ये आप नॉर्मली बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, प्ले नहीं हो रहा है ये, और बाकी रेडीमेड है, फ्रैक्टल है ये, बाकी टाइलिंग वगैरह है इसमें, वो सब आप देख लेना। और ग्रेडियंट रैंप है, तो इसमें दो पॉइंट दिए हुए होते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ग्रेडियंट रैंप में इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक आप ग्रेडियंट रैंप बना सकते हैं और कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड बना सकते हैं। और इसमें लीनियर भी है और रेडियल भी है, ये रेडियल, रेडियल के लिए आप इसको यहाँ रखिए और बाहर आपका ये वाला कलर रहेगा, तो रेडियल भी बन जाता है और ये लीनियर भी बन जाता है। अब ये अभी ये रेडियल है, अब इसको लीनियर बना दिया, तो ये लीनियर बन गया। इस तरीके से ग्रेडियंट भी काम करता है। और ये है ग्रिड, ग्रिड इस तरीके से रखना है, कुछ मेजरमेंट वाली चीज आपको करना है इसमें तो आप आसानी से बना सकते हैं इसमें। ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, आपको ग्रिड मैन्युअली, ग्रिड आपको काम करना है तो ग्रिड के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ग्रिड लेंस फ्लेयर, ये इस तरीके के लेंस फ्लेयर आते हैं, जैसे कि लाइट सोर्स कहाँ से, मान लो कि यहाँ से लाइट सोर्स है, तो इस तरीके का आप फ्लेयर डाल सकते हैं इसमें। ये भी दिए हुए लेंसेस भी दिए हुए हैं, लेंस टाइप, तो इसमें के ये आप बना सकते हैं। ब्लेंड विथ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल के साथ ब्लेंड हो जाएगा, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी से खेल सकते हैं। पेंट बकेट सिंपल है, आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, तो इस कलर, ये जो कलर है इस कलर में सारा, ये वाला कलर जो है यहाँ से मैं दे रहा हूँ, ये कलर फिल हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, रोड पर रखा तो सारा रोड एक कलर का हो जाएगा।
इस तरीके से। और यहाँ पर रखा तो ये पूरा हो जाएगा। ये एक्चुअली आप सिलेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं और काफी अच्छा है ये। बस आप इसे अप्लाई कर दीजिए आपके इमेज के ऊपर, और इतना इतना हिस्सा आप कोई दूसरे कलर का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं प्योर व्हाइट ले लेता हूँ, तो ये प्योर व्हाइट बन गया है। अब व्हाइट बनने के बाद में इसको आप लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन से यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये रेडियो वेव्स, ये राउंड राउंड जो दिख रहा है ये रेडियो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी। बस सिंपल है, आपको जरूरत है तो आप डाल सकते हैं। मतलब कि अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आपको इफेक्टिव इफेक्ट्स डालना है, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। स्क्राइबल, स्क्राइबल काफी अच्छी चीज है। मैं इसको आपको अलग से समझाऊंगा। स्क्राइबल में नोट कर लेता हूँ। और स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक, स्ट्रोक मास्क, मास्क में भी स्ट्रोक दे सकते हैं। मैं इसमें पहले एक मास्क बना देता हूँ। ऑल मास्क, या फिर यहाँ से मास्क सिलेक्ट किया। ये इसकी वेट, ये स्ट्रोक इसका बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से आप मास्किंग कर सकते हैं, मास्क बना करके स्ट्रोक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बाकी सब ये है ही ऑप्शन दिए हैं, सिंपल है। डिलीट करता हूँ वेगास, इसका मास्क पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। वेगस, ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट है। जो ऑलरेडी सेचुरेटेड पार्ट है उन्हें और सेचुरेटेड कर रहा है। ये हमें ह्यू या सेचुरेशन से नहीं मिल सकता, ये केवल इसी से ही मिल सकता है। बहुत ही शानदार इफेक्ट है ये, अच्छा लग रहा है इसमें। और सेगमेंट्स वगैरह कितने क्या रखना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके के। और बाकी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और लाइट ऑन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये कलर ब्रश साइज ये रहा, तो इस से ये लाइट ऑन काम करता है। मतलब कि और भी हैं ऑप्शन इसमें, ऐसा नहीं है। बस खाली एक सर्कल बन गया है, ब्रश पोजीशन क्या है इसकी ये। तो इसको एनिमेट कर सकते हैं राइट ऑन, और कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं और आपको बताऊंगा, जो जो अधूरी छुट्टी हैं ये चीज़ें। मैं आपको एक एक लेक्चर करके, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो एक एक लेक्चर में ही आ पाएंगी, तो उनका लिए स्पेशल लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये लेक्चर अभी फ़िलहाल बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तब तक लिए नमस्कार।